गए सी? असीं तो गए अपने नानके आंदे, बस उतों असीं गांह चले गए, उत्थे याड़े पै गए, असीं पाकिस्तान चले गए। ये मेरा साडा भाई इत्थे रह गया, भरजाई मेरी मां ये इत्थे रह गए। माता जी थोड़ी है 12-13 साल की, 13 की हो ला लो। तुम सारा कुछ फिर माहौल अखी देखिया जी, जो कुछ वापरिया सब कुछ वेखिया। अज भी तुहानू वो चीज़ां याद आ? याद आ, बड़ियां याद। केड़ा परिवार है जी इत्थे, कौन कौन रिश्तेदार? मेरा एक आ भतीजा, एक आ भतीजा, दो हाँ बैठे है, दो भतीजे आ जड़े है, दो एक आ जरा एक खडूर साहब रेंदे आ तिन्ने। आ जरा मेरा भतीजा वा ये रोपड़ आया, तैनू मिलना सीगा, मैं ये मगर करा भी नहीं, बिलिया छड वे बिलिया छड दे, मैं किथे जाना जे जरा को बीमार हो जाना, वे बिलिया हट दे, हुण ना कुछ भी करी मैं नहीं जा सकदी। कहना भूआ माए बीबी एक करा तैनू पहुंचाउणा जरूर है। लाख लाख बार शुक्र किया उस अल्लाह नूं ते आया, ते अल्लाह सोने लाख शुक्र मेरे प्यो का देश मिलिया, प्यो का देदा देश मिलिया। असमत का मतलब इज्जत होंदा, तुसीं तां अपने आप च इज्जत की जिहड़ी हैगी मिसाल हो। तुहानूं इज्जत किदां दी मिली इत्थे? बहुत सोहनी लगी, प्यार मिलिया हर तबके तो, बहुत प्यार छड़ के, बहुत आंढी गुआढ़िया का प्यार बड़ा। हम जिदा इतने वेखा ये प्यार सारे वेखा ये गुआढ़ आंढ जरा कि प्यार किया, दोपहर का सवेर का, इदा ही इतने खडूर साहब आ। दो महीने पूरे लगे जी एक मेरे सिर्फ वीजा लाने के नाल ही, जो थाना जो कचहरी जो कोई चीज़ छड्डी नहीं, कोई DSP ताईं सारा कुछ, जाने वो डॉकूमेंट ज़्यादा मंगते हैं, तो वो करके हूँ भी जो तीजी तरह गया तो फिर वीजा लग गया। फिर मेरा भी मन नूं थोड़ी शांति मिल गई, इनू भी शांति मिल गई भी हुण मैं अपना जन्म भूमि देख लूँगी। जदों कोई जवान शहीद हुंदा साडे वल तां देखो सब दा खून भी खौलदा, पर देखो उस दुश्मनी के नाल नाल, उस नफरत के नाल नाल जिहड़ी दोवें पासे दे इंसान है उन्हां दे विच कोई नफरत देखण नूं नहीं मिलदी। जे उन्हां 'च कोई नफरत देखण नूं मिलदी हुंदी फिर इस तरीके नाल स्वागत ना हुंदे, इस तरीके नाल मेल मिलाप ना हुंदा, इस तरीके नाल चौं ना हुंदा। अज हर एक दे मन 'च चौं है। देखो अगे हो के सारे पुछ रहे हैं भूआ जी नूं कि साडे रोपड़ दा भी उत्थे कोई सीगा जी जिहड़े इत्थों गए हैं, उन्हां दी गल्लां जानना चाहते हैं, गल्लां सुनना चाहते हैं। तो 90 साल की उम्र के विच 76 साल बाद अज अपने भैन भरावां नूं, भतीजियां नूं, अगों छोटे बच्चों नूं बड़ी हिम्मत रख के मिलने वास्ते आए आ, और बहुत ही भावुक ते विआह वर्गा माहौल। ये भी हुण तुसीं चाहुंदे हो भी बार बार तुहाडा वीज़ा मिले फिर तुसीं होर पढ़ के मिलना, हुण पक्का पाना अल्लाह जाने। आई तो मैं सुख ना चली जावां ते रब दियां रब जाने, जे ते आकरा पैरा चलते रहे, जींदी रही तो खड़े अल्लाह गेड़ा साल नूं मरा दो, पर नहीं साल ताईं मैं अल्लाह करे तुहाडी होर उम्र वडेरी होवे ते तुसीं लम्मियां उम्रां भोगो ते फिर आओ। साडे जिहड़ा परिवार जिन्ना ना चाचे ताए मामू जो भी है उन्हां सारिआं चों वड्डी इहो साडी रह गई है, साडी इहो माँ, साडी इहो चाचे ताए तां सारी इहो ही है जी। ते सानूं ते इन्नी खुशी होई भी हद तों बहुत ही। सत श्री अकाल, पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ। देश दे विच 1947 की वंड हुंदी है, एक वड्डा दुखांत वापरदा है। जिथे कहा जाता कि देश की वंड हुई है तो यह भी कहा जाता है कि वंडिया तो पंजाब गया सी, दो टुकड़े पंजाब दे हुंदे है। बहुत सारे लोग इधरों पाकिस्तान वाले पासे जां चढ़दे पंजाब तो लैंदे पंजाब वाले पासे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग लैंदे हो चढ़दे वाले पासे आ जाते हैं। ये वंड होने के नाल बहुत सारिया कहानियाँ बनदियाँ, हर एक कहानी अपने आप दे विच वखरी है। अज एक अजिही कहानी तुहाडे सामने लैके आए हैं। कहानी नहीं है, एक हद बीती है, एक बहुत वड्डा दुखांत है जिस दे गवाह अज साडे नाल ने। इन्हां दी की हद बीती रही, किहो जिहा माहौल देखिया, सो साडे नाल अज असमत बीबी जी ने जिहड़े कि पाकिस्तान तो भारत दे विच आए है। इन्हां दा परिवार इत्थे है, की गलबात है सारी गलबात जानन दी कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी इत्थों पाकिस्तान गए सी? असीं इत्थों गए अपने नानकिआं दे, बस उतों असीं गांह चले गए, उत्थे याड़े पै गए, असीं पाकिस्तान चले गए। ये मेरा साडा भाई इत्थे रह गया, भरजाई मेरी माँ ये इत्थे रह गए। बस वो साढ़े आंढ गुआढ़ चंगा सगा, उन्होंने इन्हें लुका लकू छड्डिया। जो कदे हिंदुआं ने आना किसी ने लुका लेना, उत्थे चबारा मां सट लग सुनिहारियां दा, ओहदे विच ढकदा है। 2 साल बोधे च रखे, उत्ते रोटी पानी दे के आना साढ़े बजुर्गां नूं। तुहाडे परिवार नूं सहारे दे विच रखिया, सहारा दे के जी। तुसीं नानके गए होए सी उस समय जदों ये सारा कुछ वापरदा? हाँ जी, नानके गए, नानकिआं नाल फिर असीं उधर। तुसीं नानकिआं दे नाल पाकिस्तान वाले पासे चल गए, परिवार इधर रह गया जी। हां, इत्थे किन्नी उम्र सी माता जी तुहाडी? हैगी 12-13 सालां दी, 13 दी हों ला लो। तुसीं सारा कुछ फिर वो माहौल अखी देखिया जी, जो कुछ वापरिया सी? सब कुछ वेखिया। अज भी तुहानूं ओह चीज़ां याद आ? याद आ, बड़ियां याद। ते अज जदों तुसीं हुण उधरों इधर आए हो जी, बहुत कुछ बदल गया होना? वो अपना घर, वो वेड़ा, वो चीज़ां तुसीं महसूस कीतियां भी? की कुछ बदलिया? वो बदलिया हुण, मकान शकान इन्हां ने होर पाए आ। साडे मकान कच्चे हुंदे ते हैगे, सोहणे सीगे, ते हुण सारा शहर अपना पिंड ही साडा हुदिया बदलिया। हां, कुछ निशानियां मिलियां तुहानूं जिन्हां ने तुहाडी यादां ताज़ियां कराइयां होण? बड़ियां निशानियां मिलियां, सड़कां दियां निशानियां, बाबे हा गुरू दियां गुरुद्वारे दियां निशानियां, फिर बाबा रतन शाह वली आ साडे घर दे नाल ही, ओहदियां निशानियां, बड़ियां निशानियां। ते मैं बहुत इत्थों जदों तुसीं गए हो जी, कित्थे जाके उत्थे ठिकाणा कीता पाकिस्तान दे विच? पाकिस्तान च इदां ही बेचारे तुर गई, कदे किते टप्पली ला लेनी, कदे किते ला लेनी, खेसां खूसां दी बन के फिर गए जे इत्थे बूरे, कोई बूरे चला गया, कोई काड़े चला गया, कोई इधर दुनियापुर चला गए, इतना फिर वंट वरत के। घर कितने है जी उत्थे पाकिस्तान च? साढ़ा घर है शाहीआल के जिले च। अच्छा जी। हाँ जी, 12 चाका 12 यारा है उत्थे। किन्ने भरा सी तुसीं, किन्नियां भैणां सी? 2 भैणां ते 2 ही समझो भरा सी, एक तो राह च गुजर गया सी, एक ये साडा बड़ा भाई सी साथों। वो भी तुहाडे नाल गए सी पाकिस्तान वाल जेहड़े राह च? वो बाद विच इन्हां ने कल्ले उत्थे नानके मेरे आंदे। आ साडे गुआंढियां ने ना वड वडाका इत्थे कड़फू आडर लग गए, ते फिर मेरा एक एडा कु भरा सी, एक बाबा जवान सीगा, उन्हां ने फिर दोहां नूं साडियां गुआंढियां ने सिक्खां दे मुंडियां ने दरिया ना आके ते जिथे मैं सी उथे छड्ड के आए नानके आंदे। ओह फिर साडे नाल ही गए पाकिस्तान च, एक ते राह च मर गया, अद बुर्जी किते सुनी होऊ उथे मर गया, ते एक साडे नाल गया। जदों फिर तुसीं उधर चले गए जी, किन्ने सालां बाद मुड़ के तुहाडा कोई राबता हो सकिया इस पासे? राबता साडा 32 साली इन्हां दा पिओ गया सानूं, 32 साली मेरी माँ ते इन्हां दी माँ ते मेरा भाई। बचपन दियां किन्नियां खेडां कहानियां तुहानूं याद सी अपने? सारियां ही हुण बस मैं याद मैनूं बहुत आ। पर दुखांत है जी बहुत वड्डा, हो दुखी गल्लां है? हाँ जी, दुखी गल्लां याद भी नहीं करना चाहुंदे तुसीं? ओह हुण मैं नहीं हुंदियां यार, हुण मैनूं ओहदा ही बस, मैं तो हुण थक गई आ। उत्थे भी अज दिन दी आई आ, इहो कुछ ही आ, कदे कोई 2 आ गए 4 आ गए, कदे 2 आ गए। हुण साडी सरकार आगे ओही बेनती आ वी वीज़े दा सौदा आसानी करी जाए। हुण तुहाडे इत्थे कौन-कौन केड़ा परिवार है जी? इत्थे कौन-कौन रिश्तेदार? मेरा एक भतीजा दो बैठे आ, 2 भतीजे आ जेड़े आ, 2 एक आ जेड़ा एक खडूर साहब रहिंदे आ तिन्ने। आ जेड़ा मेरा भतीजा वा ये रोपड़ आया, तुहानूं मिलना सीगा, मैं इहदे मगर इन्हां नूं मिलण आए हो जी? हाँ जी, इन्हूं मिलना। इस तो पहला हुण तां टैक्नोलॉजी बहुत हो गई, पहले चिट्ठी पत्र भेजदे रहिंदे होणे तुसीं इधर उधर? हाँ जी, चिट्ठी पहले जमाने च चिट्ठी सी, फिर बाद टेलीफोन लग गया। हुण तां वीडियो कॉल ते गल हो जांदी है जी, आमो सामने। हां करदे रहंदे हो तुसीं? अज करदे रहीदा वा, करदे रहे। ते हुण तुसीं जेहड़े इन्हां दे अग्गे बच्चे ओ सारेयां दे हुण तुहानूं नाम पता लग गए? आहो सारे दस मैनूं पता ही है, ओथे बैठी नूं पता कि ऐस भतीजे दे आ बच्चे आ, ऐस दे आ बच्चे आ, ऐस भतीजी दे आ बच्चे आ। अच्छा जी, दो भतीजी तीन भतीजी। हुण तां इन्हां दे बच्चे विआहे गए हुणे, अग्गे होर बच्चे। हुण तां तुसीं सुख नाल पड़पोते पड़ हो गए तुहाडे? हां जी, आ मेरे घर भी पड़पोते आ माशाअल्लाह। जेहड़े पोते पोतियां दी हालात, पोती दी हालात, उत्थे घर पिछे भी छड्ड के आई आं ते गाड़ी भी माशाअल्लाह इन्हां दे भी आ पड़ोते दड़ोते। किन्ने समय तो तुसीं उम्मीद लाई हुई सी भी इस पासे आउणा है? मैं लाई तो बड़ी सी ते पर लाती सी, लाती सी। हां भी हुण बुढ़े हो गए आ, बीमारी कोई ना कोई लगी रहिंदी सी, खबरिया हुण जा होना कि नहीं। आ भी हुण अल्लाह ने कुछ एदा भला होवे, इहने पैरवाई कीती, कुछ मेरे पोते ने कीती, ओ बाबा जान दा इहो जिहा काम। ओ तुरिया रिहा आ 6 महीने हो गए सी असलों भजे नठिया नूं। ओ रब ने बस मेर फेर ते मैं क्या करां भी नहीं बिलिया छड्ड, कहां वे बिलिया छड्ड दे, हुण मैं किथे जाना जे जरा को बीमार हो जाना। वे बिलिया हट जे, हुण ना कुछ भी करी मैं नहीं जा सकदी। कहना भूआ माए बीबी एक ना तेनू पहुंचाउणा जरूर। ठीक है माता, जदों कोई अपने वतन वापसी करदा, भावें परदेसां च गया होवे, वो मिट्टी ते आके एक बार चुमदा, वो मिट्टी नूं भावुक हो जांदा, किहो जिहा एहसास होया तुहानूं जदों पैर इधर धरिया वागे तो? बहुत सोहना आके सोहना बनिया, लाख लाख वारा शुक्र कीता उस अल्लाह नूं ते आया ते अल्लाह सोहणिया लाख शुक्र मेरे प्यो दा देश मिलिया। प्यो दा देश मिलिया। बहुत सारे लोग होर भी हैगे आ जिहड़े भारत दे नाल जिन्हां दे परिवार हैगे, तुहानूं उधर मिलदे रहंदे होण, जिहड़े भी उम्मीद लाई बैठे आ कि साडा भी कदे समा आवे असीं जाके आईए। ना जी, किसे साडे रिश्तेदार बहुत आ उधर, पर आया मेथों सवा आया कोई नहीं, मौका नहीं मिलिया, जाना नहीं सी चाहुंदे। वीजा ते बहुत प्रॉब्लम आ, वीजा नहीं उधरों लगदा छेती। आ मेरा हुण बुढ़ी हो गई आ मैं ते 100 नूं उपर चली ते ओ मैनू मैं उम्मीद ही से हो तो कोई तेरे वर्गा आया ऐसा नहीं बीबी ना बना ऐसा तू मर जाएंगी उसे जाके। कोई ऐसे वर्गा आ गया ऐसा बीबी हुण ना जावी, आखिरकार वेखा तेरे चू ना तुर होंदा ना तेरे चू जा। हुण तुहानूं आके किदां लग्गिया कि चंगी रही आ आके? हां जी, तुहाडा नाम असमत है, असमत दा मतलब इज्जत हुंदा, तुसीं तां अपने आप च इज्जत दी जिहड़ी हैगी मिसाल हो, तुहानूं इज्जत किदां दी मिली इत्थे? बहुत सोहणी लगी। प्यार मिलिया हर तबके तो? बहुत प्यार छड्ड के बहुत आंडी गवांडियां दा प्यार बड़ा। हुण जिद्दां इत्थे वेखां इहदे प्यार सारे वेखा इहदे गवांढ आंढ जिहड़ा किद्दां प्यार कीता दोपहर दा सवेर दा, इदां ही इत्थे खडूर साहब आ रोज़ ते रोज़ कोई 8-10 बुढ़ियां बंदे 8-10 जिहड़ा सुणदा आ वीडियो च वेखदे आ पढ़दे आ देखदे आ ओहो फिर आ जांदे आ कि भूआ साडी आई आ। हुण तुसीं जगत भूआ बन गए, सारियां दी भूआ बन गए, सारियां दी भूआ, सारे हुण वड्डे निक्के जो सब भूआ ही कहंदे आ। कितना समा हो गया तुहानूं आया नूं? 6 दिन होए जी। होर कितना समा तुहाडे कोल इत्थे? बस 4 रह गया। 40 दिन दा वीजा? 40 किथे 40 दिन दा महीना, 1 महीना रह गया। 1 महीना रह, महीना नहीं रह गया, 24 दिन रह गए। 17 तरीक ते अच्छा 17 तरीक। कितना घूमना चाहुंदे हो तुसीं? केड़ी केड़ी थावां सोच के आए सी भी इत्थे इत्थे मैं जाना? कोई मन च ख्वाहिश आ गई सी भी आ जगह च मैं घूम के आउणा, इन्हां थावां ते जाना? ना कोई नहीं, कोई इधर भतीजे नूं मिलना है, ओ अल्लाह ने मढ़ाया। अल्लाह ए भतीजे सीगे याद ते रहिंदे सी। एक इन्हां दी उम्र किन्नी किन्नी सी जदों जदों ये सारा कुछ वापरदा है? कुछ ये ते जम्मे ही मगरों आ साडा बाद च। अच्छा जी, इन्हां दा जम बाद च पैर दो ओ होया सी, ओ मेरा भतीजा ओ हैगे सी उदों? नहीं नहीं, ओ भी बाद च होया। अच्छा जी, 2 साल सी वंड होई नूं जदों ओ पैदा होया। ओ इहदे मगरों वे भैण आ इन्हां दी, उदों 2 साल ही मगरों ओ पैदा होई है ते ओदे मगरों फिर आ होया पैदा। फिर इहदे मगरों कुड़ी एक होर आ, एक आ जेहड़े ए जोड़े आ दो ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਰਮ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫੋਨ ਫੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪਾਣਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੇ ਆ ਕਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖੜਿਆ ਅੱਲਾ ਗੇੜਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਰਾ ਦਊ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ? ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਸਬੱਬੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਲਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੂਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੂਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ मना करता, फिर उन्हें वापस भेजते। फिर मुड़ के दोबारा जिसे इसे क्या उन्हें वह सारा करा के फिर भेजा। फिर भी उन्होंने मना करता, नहीं लगा। फिर मैं भी वेख लो भी मैं खेड़ा नहीं छड्डिया, मैं भी तुरया रहा। 2 महीने पूरे लगे जी एक मेरे सिर्फ वीज़ा लाने के नाल ही। जो थाना जो कचहरी जो कोई चीज़ छड्डी नहीं, कोई DSP ताईं सारा कुछ, जाने वो डॉकूमेंट ज़्यादा मांगते हैं। तो वो करके हूँ फिर जो तीजी तरह गया तो फिर वीज़ा लग गया। फिर मेरा भी मन नूं थोड़ी शांति मिल गई, इनू भी शांति मिल गई भी हुण मैं अपना जन्म भूमि देख लूँगी। तो यह गल जो आई फिर बहुत सानू इस गल की खुशी है भी आई। उदों ही जदों आई 17 तरीक नूं उस वाघ बार्डरों में मैयों लै गए हैं। तो यह बड़ा छोटा भाई इन्हू मैं कहता इतने पिंड रहो अपना प्रोग्राम करी। तो अं मैं तो मेरी वाइफ सी एक नाल ड्राइवर से अं उतों वाघे बार्डरों अंदरों अं लै के आए हैं। तो फिर आए उत्थे ठीक किया। बाकी उत्थे सब तो वड्डी गल है जी, गौरमेंट के गाड़ी रिक्वेस्ट है साड़ी जो वीजे का थोड़ी जी आसानी की जाए। ये बहुत मुश्किल ज़्यादा वा, इधरों वीज़ा थोड़ा जहा सखाला लगता वा, उधरों एनू आने वीज़ा औखा लगता। क्यों इन्हों का यहो जो बजुर्ग वा ये सिर्फ अपनी धरती या अपना घर बार वेखण वास्ते तरसन रहे हैं। हुण वेखी तो वीडियो तुसीं वेख्या, मैं सारा मैं 2 महीने रह के आया पाकिस्तान। उधरों आण के ना सऊदी चो मैं पाकिस्तान गया, इन्हूं मिल के फिर मैं आया। तो फिर काम इहदा जने बनाया वा। तो उत्थे भी इन्ने लोग जो सरदार है ना अपने उत्थे पाकिस्तान भी, वो भी इधर आना चाहते हैं भी वीज़ा लग जे तो अं आईए। बहुत परेशान है वो जो उधर के जी मैसी है ना, वो डॉकूमेंट बहुत ज़्यादा मंगती है, बहुत परेशान कर। मैनू पता भी 2 महीने मैं कि भजा फिर इन्होंने भाइयों को भी गल नहीं की। चलो आखिर में चलो ये जी खुशी तो मिली। हाँ खुशी तो बेहद जी, खुशी बेहद जी। साढ़े जो परिवार जिन्ना ना चाचे ताए मामू जो भी है उन्होंने सारे जो वड्डी इहो साड़ी ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹੋ ਮਾਂ ਸਾਡੀ, ਇਹੋ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਚੱਕ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 12 11 ਐਲਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ 12 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਕ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ? ਫਰਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ। ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸੋਹਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ बहुत सारे लोग ये चाहते होने भी ਭੂਆ ਕੋਲ जाके आईए ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ सुनीए बहुत सारे किस्से सुनना चाहते हैं ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ भी पाकिस्तान 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ की हिसाब किताब ਹੁਣ ਜੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ ਭਤੀਜੇ बहुत भतीजे होर देखते ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਚਾਚੀ कह दो आओ सारे आओ मिल सारी मिल जम जम होने दो दिन रहना ही आ मैं रहना तुसी ये तो रहूँगी फिर खडूर साहब छड़ के आऊँ मैंने उत्थे अजे कुड़ियाँ को जाना कोई रात रात कुड़ियाँ को भतीजियाँ जे तोहफे मिले तुहानू तोहफे हाँ मिलते है बथेरे तुहानू छड्डण कौन आया सरहद ते उधरों फिर किसी दे नाल उधरों बार्डर दे उत्ते बागे बार्डर ते परे मुसलमाना का बार्डर जेड़ा सी उत्थे मेरा पोता सी एक मेरा दोता सीगा एक है भतीजा ही लगता सी वो तीन जने आए सी पहला उत्थे मुसलमाना दे पीजे बाजे दे नंबर नंबर लवाए वो फिर मुड़ के उतों फिर रेहड़ी तो मैंने बालिया तो उन्होंने आ गए इंडिया आए इतों आ गए तो गां इंडिया वो गाड़ी लंघनी ना देन वो बेचारे इतने खड़े आ तो मैं इतने आके खलो गई हाँ वो फिर जोड़े है 5-7 लगे है देखने वाले वो कोई इधर रेहड़ी से खैर मैंने चढ़ा के गाड़ी करते हैं वो मेरा फिर पासपोर्ट देख कली मैं सी तो ये गाड़ी फिर मैं फोन लिखवा मेरिया कुड़ियाँ ने ना नंबर एदा लिख दिता इन्हों का वो फिर नंबर लिखा सगा तो मैं हाइदा तेरे वर्गी किसी कुड़ी नूं कहा भी ती गया नंबर मैनू पढ़ दे भी शायद मेरे बाहर से गाड़ी आए है वो उन्हें पढ़ के दसिया ये फिर गाड़ी बोलिया अस क्या भूआ आ गए आ जा तू हूँ उतो भी सारे इंडिया वाला जोड़ा सी हिसाब किताब उन्होंने फिर मैं चलो अल्लाह करे तुसी फिर आओ जी बार बार तुहानू वीज़ा मिले तो बहुत सारिया खुशियां तुसी इधरों लैके उधरों आओ तो इधरों लैके जाओ जी बहुत बहुत धन्यवाद गलबात करने लई बड़ियां खुशियां होइयां बहुत ही अल्लाह तंदुरुस्ती मेरे ये भी पेकिआं दा खडूर साहब भी पेकिआं दा खुशी होनी है जी तुहानू तंदुरुस्तियां बख्शे बहुत शुक्रिया गलबात करने के लिए अल्लाह तंदुरुस्ती सो बिल्कुल मौके दे विधायक जोड़े है मौजूदा विधायक है दिनेश चड्डा जी वो भी मौके के उत्ते पहुंचे है बीबी असमत होरां दे स्वागत के लिए किवें देखदे हो चड्डा साहब लंबे अरसे बाद उन्होंने आना नसीब होया बड़ी खुशी दे नाल सबने स्वागत किया सब तो वड्डी गल जी मैं देख रहा मैं ऑब्जर्व कर रहा क्योंकि अज रोपड़ जिन्हों का स्वागत होया कुछ दिन पहले खडूर साहब च भी होया सीगा मैं उतों की खबर भी देखी सीगी ये चीज़ तो बड़ी प्रत्यक्ष दिख रही है ना कि देखो दो मुल्कों कितनी ज़्यादा दुश्मनी है जदों कोई जवान शहीद होंदा साडे वल तो देखो सब का खून भी खोलदा पर देखो उस दुश्मनी के नाल नाल उस नफरत के नाल नाल जिहड़ी दोवें पासे दे इंसान है उन्हां दे विच कोई नफरत देखण नूं नहीं मिलदी जे उन्हां 'च कोई नफरत देखण नूं मिलदी हुंदी फिर इस तरीके स्वागत ना होंगे इस तरीके मेल मिलाप ना होंगे इस तरीके चौअ ना होंगे अज हर एक के मन चौअ है देखो अगे हो के सारे पूछ रहे हैं भूआ जी नूं कि साडे रोपड़ का भी उत्थे कोई सीगा जी जिहड़े इत्थों गए हैं उन्हां दीयां गल्लां जानना चाहते हैं गल्लां सुनना चाहते हैं सो किते ना किते पता नहीं की कारण रहे होणगे जिहदे करके ये जिहड़े हालात बन गए पर दोवें पासे दे इंसानां दे विच अज भी सीधी तौर पर कोई नफरत जिहड़ी है वो नहीं है तो आपस जिवें दो इंसानां 'च होना चाहिए उस तरह का प्यार है उस तरह का चाव है बींग ए पॉलीटिशियन तुसीं समझते हो भी कभी ये हालात सारे जिहड़े आगे बदल जाएंगे लोग खुल दिली नाल आ सकणगे इस पासे तो उधर उधरों इधर आ सकणगे हमेशा चंगे की आस रखनी चाहिए है जी कोई समा सीगा जदों जिवें हुण आए ने इन्ना कुछ भी नहीं सीगा फिर साढ़े धार्मिक स्थानों के लिए भी राह खुले ने सो हमेशा चंगे की उम्मीद रखनी चाहिए है जी चंगे वास्ते उपराले करने चाहिए है मैं तो ये समझदा कि जदों दोवें पासे दोवें मुल्कां दे विच जिहड़े सारे सूझवान लोग है उन्हां दी जिहड़ी चंगी सोच है जदों वो परवेल कर गई फिर उन्हां दी जिहड़ी नफरत है वो खत्म होएगी और समझदारी दे नाल मेल मिलाप है वो वधेगा कई बार जो बंदा किसी हालात में गुजरता तो उन्होंने गल करन दा अगे ख्याल भी आउंदा हुण तुसीं जो मिले हो प्यार देखे मुहब्बत देखिया लगता भी कि मुद्दा अपनी सरकार च भी चकोंगे भी होर मौका दिता जाए जिहड़े लोग अजे भी जज्बातां नूं दबी बैठे अजे भी उम्मीदां लाई बैठे कि इधर उधर तो उधरों आईए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है कि सरकारां दे कोल मुद्दा चक्कण दी भी लोड़ है नाल तुहानूं पता कि मसला इस तरह का है कि जिहड़ी असीं तां केंद्र सरकार नूं हमेशा ही कहांगे कि धार्मिक स्थानां ते लोकां ने जाना हुंदा किन्नी शरधा है अथाह शरधा है कि ये जिहड़ा माहौल होर सखावा बनना चाहिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही माहौल सखावा जिहड़ा होर ज़्यादा तां ही बन सकदा जे हालात सखावे बन जे हालात सखावे बढ़न। जेकर मैं तो कहूँगा कि जिन्हें जिथे भी कितने नफरत ज़्यादा किसी के दिमाग के घर की हुई है उन्होंने खत्म करना चाहिए। वाहेगुरू जो चंगी सोच सबनों बख्शे। ये नफरतों के राह हुण तक कुछ नहीं लभ्या, इन्हां नफरतों को खत्म करके सखावा माहौल जिहड़ा वो बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया गलबात करने लिए। सो नफरतों को मनफी करके खुशियाँ खेड़े जो वंडे जा सकन तो उस दे नाल जिहड़े माहौल हैगे आ वो सुखावे हो सकते। सो माता जी के स्वागत के लिए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी होरी भी आए हैं। सर किवें देखते हो जी एक जिहड़ी बड़े लंबे समय बाद मौका मिले जी? देखो बड़ा भावुक जिहा माहौल है कि बीबी अफजल जी जिहड़े साडे साथी मेरे नाल खड़े आ करमदीन जी, इन्हां दी भूआ जी है 14 साल की उम्र दे विच देश की वंड वेले नानके परिवार के नाल पाकिस्तान चले गए सी। अद्धा परिवार इधर रह गया, अद्धा उधर चला गया। तो 90 साल की उम्र के विच 76 साल बाद अज अपने भैन भरावां नूं, भतीजियां नूं, अगों छोटे बच्चों नूं बड़ी हिम्मत रख के मिलने वास्ते आए आ और बहुत ही भावुक ते विआह वर्गा माहौल। और ये जिहड़ा समा आ ये देश की वंड के उस दिखांत नूं भी फिर ताज़ा कर दिंदा कि किस तरीके हसते वास्ते लोग जिहड़े आ सरहद के दोनों पासे अचानक दो देश बन गए तो किन्ना वड्डा नुकसान होया, किन्ने लोकी मारे गए, किन्ने इस तरह आपों च विछड़ गए। अज तक भी उस बंटवारे दा जिहड़ी कीमत है वो लोकी पे कर रहे आ। इसलिए मैं करमदीन जी नूं इन्हां दे सारे परिवार नूं वधाई देना कि इन्ने सालों बाद जिहड़ी आ गुरु महाराज ने बख्शिश कीती है फिर परिवार नूं इकट्ठा कीता। तो माता जी नूं जिहड़े आ परमात्मा हिम्मत बख्शे, चंगी सेहत बख्शे, उन्होंने सारे परिवार नूं जिहड़ी उहदे वास्ते साडी सारियां दी दुआ आ। सारे शहर दे साडे करीम साडे प्रधान साहब साबका, सारे काउंसलर साबका, सारे पार्टी दे आगू सारे अज इकट्ठे होके तो उन्हों का स्वागत करने वास्ते आया। सारे नूं बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग भावें हुण बहुत लंबी उम्र भोग रहे होणगे जिहड़े उन्हां समियां दे विच इत्थों जी उधर गए जां उधरों इधर आए, पर बहुत जज्बात जिहड़े हैगे ओ अज भी दिलां दे विच दबे पए आ। कईयां नूं वीज़े नहीं मिल रहे, मुलाकातां हो नहीं पा रहीआं जी, भैणां तों भरा विछड़ गए। तां तुहानूं लगदा भी खुल्ह दिली नाल इह वीज़े भी खुल्हणे चाहीदे सी तां कि हुण बहुत समा हो चुक्किआ है कि जिहड़े रहिंदे आ कुछ जी उह तां मिल सकण अपणिआं नूं। देखो गल इह है कि दोनां पासियां ते आवाम दी तां हमेशा इह कोशिश हुंदी है कि आवाजाई वधे, प्यार मुहब्बत नाल लोकी इधर उधर जान, जेडे उधर उधर भी रह गया घट्टो घट्ट एक दूजे नूं मिल लिया करन। और जेडे तीर्थ स्थान एक दूजे पासे रह गया उत्थे भी लोकां दी श्रद्धा हुंदी है। जिवें साडे सारे जेडे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा साहिबान है, ननकाना साहिब है, कीरपुर साहिब है, डेरा साहिब लाहौर है, होर किन्ने इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे वो उत्थे रह गए। संगतां उहदे दर्शनां नूं तरसदियां। इस करके जे शांति जिहड़ी इस खित्ते दे विच बणे ते मेरे ख्याल बहुत वड्डा उहदा लाभ है दोनों सूबे मिल सकता। पर कुछ राजनीति ਇਹੋ ਜਿਹੀ गंदी इस खित्ते ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ है। कुछ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ देश ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ फौज ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਖੁੱਲੇ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਲਵਾ ਦੇਗਾ जी। बहुत शुक्रिया गलबात करने के लिए। सो बिल्कुल जिथे हर कम्यूनिटी के लोग माता जी नूं बड़े प्यार दे नाल मिलन आए तो उत्थे राजनीतिक शख्सियतां भी अपना फर्ज समझते हुए फर्ज अदा करते हुए मिलन के लिए आए आ। सो एक बड़ा वधिया सबब बनिया बड़े लंबे समय बाद, हालांकि माता जी नूं वीज़ा इस थां दे आउण दा मिलिया, बड़े प्यार इतफाक दे नाल लोक मिले आ। पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि होर भी बहुत सारे लोग होणगे, होर भी बहुत सारे दिलों दे विच अजिहे जज्बात होणगे जिहड़े अजे तक भी दबे होए आ, जो अपणिआं नूं मिलना चाहते। उम्मीद करते हैं कि सरहदां उन्हां सारे लोगों के लिए भी खुलणगियां जिहड़े आखिरी ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਰੋਪੜ।